अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आप देख रहे हैं अहमद फैमिली टीवी अपना। आज हम लोग जनाब लगा रहे हैं तड़का दाल को। दाल बड़ी ख़ास और बड़ी स्पेशल किस्म की दाल है, इसको मसर बोलते हैं और ये काले मसर हैं, इनको साबुत मसूर भी कहते हैं। तड़का लगाने के लिए आपको कड़ी पत्ता चाहिए, उसके अंदर आपने ज़ीरा डाल लिया, साथ ही आपने लाल मिर्चें मोटी वाली डाल ली, साबुत लाल मिर्च। उसके बाद जनाब आपने तेल ले लेना है हसब तफीक, और साथ में आपने ले लेने हैं जनाब साबुत काले मसर। प्याज हमने काट लिया है बारीक बारीक, और साथ में हमने लहसुन भी काट लिया है बारीक बारीक। और सबसे पहले हमने ऑयल में प्याज ऐड कर लेना है। प्याज को हमने ब्राउन करना है, ब्राउन करना है ताकि वो तड़का जो हम लगा रहे हैं वो अच्छा लग जाए। अगर हम प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे तो तड़का नहीं लगेगा। साथ साथ हमारी दाल तकरीबन तैयार हो चुकी है, और दाल में हमने कोई शय ऐड नहीं की थी, बस हमने पानी में उसको उबाल लिया था। तो अब प्याज जैसे ही ब्राउन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने कड़ी पत्ता और दीगर मसाला जात, और इसमें हमने जो थोड़ी सी हमने ट्विस्ट किया है वो हमने इसमें कढ़ाई मसाला भी ऐड किया है। तो जी दोस्तों, ये हम लोगों ने प्याज जो है इसको हमने ऑयल में ऐड कर दिया था कुछ देर पहले तक, अभी ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही प्याज ब्राउन होता है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग प्याज के अंदर ऐड करेंगे जो हमने मसाला जात वगैरह। अब ये हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अब हमने इसके अंदर दीगर मसाला जात जो हैं वो हमने इसमें ऐड करने हैं। अब वो मसाला जात हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो जनाब ये हम लोगों ने अब जो दीगर मसाला जात थे वो हमने प्याज में ऐड कर लिए हैं। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज बिल्कुल जल ना जाए और थोड़ा सा जो है नरम हो जाए। तो जनाब ये हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हमने तो जनाब ये हम लोग अब इसमें दोबारा से रिकॉर्डिंग जो है शुरू कर दी है हमने। और अभी ये आप देख सकते हो कि हम थोड़ा सा इसको टाइम देंगे ताकि पानी थोड़ा सा कच्चा ना रह जाए, तो उसके बाद हम लोग ये इसमें ऐड करेंगे। तो जनाब ये हमारा जो मसाला ये तैयार हो गया है, अब हमने इसको इसमें ऐड करना है। थोड़ी देर हम इस मसाले को पकाएंगे क्योंकि ये ज़रूरी है पकाना, अगर इसको नहीं पकाएंगे तो ये मसाला जो है कच्चा रह जाएगा। और उसके बाद फिर हम ये हमने मसाला तैयार हो गया, अब हमने इसको डाल दिया है सालन के अंदर। तो ये जनाब हमारा दाल यानी कि मसर जो है, मसूर, ब्लैक मसूर, काले मसूर, साबुत मसूर, ये हमारे तैयार हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सालन है तैयार हो गया। अब हम आगे क्या करने वाले हैं कि हम पकाएंगे रोटियां, और ये रोटियां जो हैं ये रोटियां हम लोग इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। मैं अब आपको दोबारा से सिर्फ ये चीज़ दिखाना चाहता हूं कि हाउ टू कट द लहसुन। लहसुन आपने बिल्कुल बारीक नहीं चॉप करना, थोड़ा थोड़ा उसको आपने मोटा रखना है ताकि वो बिल्कुल ना जल बुन जाए। थोड़ा थोड़ा मोटा पीस होगा तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो जलेगा नहीं और थोड़ा सा उसके अंदर एक नरमी रहेगी। प्याज को भी आपने फुल चॉप नहीं करना, थोड़ा थोड़ा आपने ददड़ ददड़ मोटा रखना है ताकि वो प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तो ये आपको मैं लहसुन काटता हुआ दिखा दिए, आपने इसको बारीक चॉप नहीं करना क्योंकि ये बिल्कुल जल जाएगा और लकड़ी की तरह हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मोटा रखना है आपने ताकि उसके अंदर जूसी रहे थोड़ा सा वो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह जब भी कभी आप तक पहुंचेगी बहुत ही आपको मज़ा आएगा देख के।
और ये वो दाल है जिसके अंदर हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो उमर अशरफ को विद शेफ़ गुलाम मुस्तफ़ा, जो कि बहुत ही अच्छा शेफ़ है, इंशाल्लाह एक दिन मेरे साथ ये भी फेमस हो जाएगा। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिएगा उमर अशरफ को। अल्लाह हाफ़िज़।